नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। उत्तर शिव दहिसर मोरी के पास ठाकुरपाड़ा इलाका है, जहां पर आज सुबह खबर आई एक व्यक्ति की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंकने की। हम आपको ठाकुरपाड़ा इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कल रात 11 बजे के करीब ठाकुरपाड़ा से लगकर पहाड़ी इलाका आता है, जहाँ पर अज्ञात लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और बहरहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है हत्या करने वाले कौन है, कहाँ के हैं और जिसकी हत्या हुई है वो कौन है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो अब तक खबर सामने आ रही है वो ये है, कल रात कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया है और जिस जगह पर घटना घटी है वहां पर दारू की बोतल भी मिली है। हत्या करने के बाद शव को घटना स्थल पर ही छोड़ दिया है, लेकिन मृतक का सर धड़ से अलग कर दिया है, जिसको लेकर पुलिस झाड़ियों में तलाश कर रही है। आखिर धड़ से अलग हुई सर वो कहाँ है। और इस वक्त हमारे साथ इस्लामुद्दीन खान जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानते हैं उनके पास क्या जानकारी है। इस्लामुद्दीन खान, इस हत्या के पीछे क्या राज है, कौन लोग थे, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? जी फिरोज, इस वक्त मौजूद है हम ठाकुरपाड़ा में, और ठाकुरपाड़ा का ये पहाड़ी इलाका है। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि एक यहाँ पर जो है एक लाश मिली थी आज सुबह में ही, एक बच्चे ने इस लाश को देखी है इस पहाड़ी इलाके में, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। और पुलिस यहाँ जो डायघर पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। फिलहाल ये लाश किसकी है ये अभी तक पता नहीं चल सका है। और सबसे अहम बात ये है कि जो यहाँ पर लाश बरामद की गई है उस लाश के सर नहीं है, और सर की जो है तलाश की जा रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर जो है पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जो है उस लाश का जो है सर जो है ढूंढा जा रहा है, और पुलिस जो है उस सर की जो है तलाश कर रही है। लेकिन फिलहाल जो है अभी तक जो है सर बरामद नहीं हुआ है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पीछे, जिस तरह से पुलिस यहाँ पर लगी है, डायघर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर, और ACP भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। लेकिन फॉरेंसिक टीम जो है वो जांच कर रही है अभी कि कितने लोग यहाँ पर थे, कितने लोग आए थे। और जिस तरह से फॉरेंसिक टीम जो इकट्ठा कर रही है, यहाँ पर बीड़ी और दारू के बॉटल कुछ ऐसे सामान मिले हैं, लेकिन अभी यह कह पाना मुश्किल है कि कितने लोग यहाँ पर थे, आखिर किस वजह से हत्या की गई है और किसने ये हत्या की है, इसका कुछ खुलासा नहीं हो पा। जी इस्लामुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको प्रहार टाइम्स के जरिए से अपडेट देंगे। जिस तरह से डायघर पुलिस लगी हुई है, ACP खुद घटना स्थल पर मौजूद है, हत्या कर आरोपी ने सर को धड़ से अलग कर दिया और उसको कहाँ छुपाया है जिसकी तलाश जारी है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम, फॉरेस्ट लैब की टीम, डायघर पुलिस की टीम मृतक की सर की तलाश कर रही है और धड़ तो पुलिस को मिल चुका है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।